सारम चिल्ड्रन, आज हम क्राफ्ट क्लास में कुछ अलग हटकर एक्टिविटी करने वाले हैं। एक सीनरी बनाने वाले हैं, एक पेंटिंग बनाने वाले हैं जिसे हम ग्लिटर चिपकाकर बनाएंगे। और इसमें मैंने एक प्रकार की शीट का यूज किया है जिसे हम गमिंग शीट कहते हैं। और यह शीट मैंने पुरानी बुक में से निकाली है और इसमें स्टिकर लगे हुए हैं जिनको निकालते हैं तो वहाँ पर हमें फेविकोल लगा हुआ मिलता है और हम उसमें ग्लिटर चिपकाते जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास गमिंग शीट नहीं है तो आप एक नॉर्मल पेपर पर ड्राइंग बनाकर फेविकोल लगाकर सिर्फ ग्लिटर चिपका सकते हैं। आप इस पेंटिंग को देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए और टेस्ट आएगा और आप ड्राइंग बनाकर फेविकोल से ग्लिटर भी चिपका सकते हैं। यह स्टिकर शीट या गमिंग शीट एक पुरानी बुक में से निकाली है और इससे मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि हम किस प्रकार से ग्लिटर पेंटिंग या ग्लिटर से सीनरी बना सकते हैं। और अगर हमारे पास ये शीट नहीं है तो हम आराम से ड्राइंग बना सकते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स पर फेविकोल लगाकर अलग अलग कलर के ग्लिटर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है लेकिन बनने के बाद बहुत सुंदर दिखती है। सीनरी के एक एक पार्ट्स पर स्टिकर निकाल कर ग्लिटर्स चिपकाते जाएंगे। यहाँ हम अपने मनपसंद ग्लिटर्स का यूज कर सकते हैं और हमें फेविकोल लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि स्टिकर के नीचे हमें फेविकोल लगा हुआ मिलता है।
यह सीनरी हमें सिखाती है कि हम छोटे छोटे पीसेस को जोड़कर कितना सुंदर घर बना सकते हैं, पेड़ बना सकते हैं, बादल बना सकते हैं, फूल पत्ती बना सकते हैं, और जब हम इनको पूरा कंप्लीट करते हैं तो एक अच्छी सुंदर सी सीनरी तैयार हो जाती है। घर में छोटे छोटे पेपर के पीसेस से ब्लॉक्स बना सकते हैं और इन ब्लॉक्स को जोड़कर उसको सीनरी में बदल सकते हैं, और इन ब्लॉक्स के ऊपर फेविकोल से आप ग्लिटर्स को चिपका भी सकते हैं। ये देखिए हमने कितनी जल्दी से ग्लिटर्स को चिपकाकर एक छोटी सी हट बना ली है, और उस हट के आसपास पेड़ हैं, बादल हैं, और एक छोटा सा प्यारा सा गार्डन भी है। Thank you.
अपनी सीनरी को एक क्राफ्ट पेपर पे, कलर्ड पेपर पर जिसका साइज A4 है, इस पर चिपका लेंगे। और इसको दीवार पर लगाने से पहले हम इसकी फ्रेमिंग भी करा सकते हैं।